हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि इंडिकेटिंग फ्लेक्सिबल, जो हमारा फ्यूचर के अंदर होता है, जो हमें सूचित करता है कि फ्यूचर के अंदर मतलब जो शुरुआती पैमाने से इसके अंदर जाता है फ्यूचर के डिटरमिनेंट के अंदर जाता है, जो फ्यूचर श्रेणी के अंदर जाता है, तो उसमें एक पॉइंट होता है संकेतक। तो संकेतक में क्या लगता है, जो फ्यूचर के अंदर लगा है उसमें क्या लगता है, संकेतक में लगा जाता है। जो संकेतक में लगा जाता है उस प्रकार का बल उसमें काम करता है, इस प्रकार का बल उसमें काम नहीं करता है। क्योंकि जब हम उसमें भारत प्राप्त देते हैं तो संकेतक अपने स्थान से दूसरी ओर होता है, फिर जब उसमें भारत देना होता है अपने स्थान में पहुंचा जाता है, इस प्रकार से काम करता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जब पहले इसमें टॉपिक तो बहुत है, लेकिन हम अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है विक्षेपण द्रव, ठीक है। तो पहला है विक्षेपण द्रव। विक्षेपण द्रव क्या होता है, विक्षेपण द्रव वह युक्ति है, जैसे कि मेरे पास अगर एक तरह का अगर वह मीटर है, उसमें क्या लगा होगा, संकेतक लगा होगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक मीटर है, ठीक है।
एक ना कई बार हम जो दिक सूचक यंत्र होता है, दिक सूचक यंत्र पे जहाँ पर हम मैग्नेट होता है, मैग्नेट में जाते हैं, तो मैग्नेट में क्या होता है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो वहाँ पर उसका जो संकेतन है वो कम कम स्पीड कम हो मूव करेगा, लेकिन जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो वहाँ पर संकेतन क्या होगा, मूव ज्यादा हो जाएगा। ये क्या होता है, सूर्य प्रभाव, ठीक है, सूर्य प्रभाव होगा आपका, ये क्या कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये सब कार्य क्या होता है, ठीक है, देखना आपको समझ आ गया होगा। दूसरा होता है व्यापक, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अगर कोई मेरा कोई यंत्र है, बिजली यंत्र है, वो क्या करता है, अगर वो अपने स्थान से थोड़ा सा दूर उतर रहा है, दूर उतर रहा है, जैसे वो दूर से चार, तो जब मैं चार मिनट यहाँ से, तो क्या चार मिनट के अंदर क्या करते रहेंगे, मैं उसको फिर से दिलवाना पड़ेगा, ताकि दूसरा जो मेजर करना पड़ेगा उसको फिर से मेजर कर सकते, अगर वो तीन मिनट का करना पड़ेगा, पहले चार मिनट में आ गया, लेकिन दूसरे साथ
जैसे हम भारत सप्लाई से मेरा वर्क ले सकते क्या करते हैं पुनः उस लोगों को मिलाकर उसको परचेज करते हैं। इसी प्रकार से क्या करते हैं उसके लिए नियंत्रण प्रणाली को क्या करते हैं क्या करते हैं गलत डेयरी मतलब ये जो आपका समझ में आए तो कमेंट करें।